dear students in this module we are going to discuss the effects of global stratification on healthcare system from conflict point of view the conflict perspective is a sociological perspective that views society as a system of competing interests and power struggles in the context of health and medicine the conflict perspective looks at how power and inequality shape the healthcare system and different practices so global stratification refers to the unequal distribution of resources and power among different countries and region so when we talk about the healthcare system and potential inequalities within the healthcare system we can also understand this within the global point of view or looking at it through a world system perspective so critically speaking this System, this whole healthcare system is based on potential inequalities. For example, when we see that low income countries are having poor health conditions and poor health opportunities and access to poor health facilities as compared to the developed countries, in order to understand the reasons behind this huge gap of quality between the high income countries versus low income countries, conflict perspective. सेज़ दैट इट इज़ ओ ऑनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हाई इनकम कंट्रीज़ आर एट द एडवानटेज़स पोजिशन दे कैन सख्त रिसोर्स फ्राम द लो इनकम कंट्रीज़ एंड देर बाय दे कैन इम्प्रूव देर ओन हेल्थ सिस्टम देर ओन हेल्थ कंडीशन एट द एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज़ तो ओवरऑल अगर हम इस सिस्टम को देखें तो जितनी भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान है वहाँ से पोटेंशली सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सख कर लिए जाते हैं और इस तरह से जो उनकी ऑलरेडी डिप्लोरेबल कंडीशनस होती हैं वो फर्दर जो है मायूसकन सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रेन ड्रेन की वजह से एक्सपेट्रिएट हो जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छे फ्यूचर करियर के लिए जो है वो पाकिस्तान को खैराबाद कह देते हैं और इस तरह से जो ट्रेनिंग के ऊपर उनके ऊपर जो रिसोर्स पाकिस्तान खर्च करता है वो सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं तो दिस ग्लोबल सिस्टम ऑफ़ इनक्वालिटी इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एन एनवायरनमेंट विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान इसके साथ साथ हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव कैन ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट हाउ एक्नॉमिक एंड पोलिटिकल इंटरेस्ट कैन शेप द हेल्थ केयर पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस जो ग्लोबल एक्नॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं पर्टिकुलरली उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं होते बल्कि बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं और फिर चूँकि उनके पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का जो फोकस होता है वो आ, पैसा कमाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना होता है तो इस वजह से उनके लिए हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो प्रायोरिटी नहीं होता और लो इनकम कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान है ऐसी कंट्रीज़ के लिए उनकी प्रेफरेंस जो होती है वो रिच क्लास या एलिट क्लास होती है जो कि अफोर्ड कर सकती होती है ना कि वो पुअर क्लास के जिसके लिए मैस लेवल के ऊपर जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोड्यूस की जा सकें सबसे बड़ा फैक्टर जो हम देखते हैं कि ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ uh, या इंडस्ट्री की वजह से जो मेजर इन्वेस्टमेंट के फोकस होते हैं वो ऐसी हेल्थ uh, हेल्थ के ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको शायद सोसाइटीज़ जो हैं उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं मिसाल के तौर पे जो लाइफ सेविंग एस्पेक्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए वो इंपॉटेंट नहीं होते बल्कि वो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें जैसे कि हम देखते हैं कि इनकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर होती है और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट uh, के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ जो है वो तगो करते हैं नस्बता इसके कि वो ऐसी ड्रग्स प्रोड्यूस करें कि जिनसे जो है वो लाइफ सेविंग जिनको लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है दैन द कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव कैन ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट हाउ दी सोशल इनकॉलिटीज़ सच एज़ जेंडर एंड इनकम कैन इम्पैक्ट द हेल्थ केयर आउटकम्स एंड कैन एक्सेस टू these resources can also be reflected as, uh, as, a, uh, as a consequence of these healthcare outcomes. and conflict perspective can also help us understand that how healthcare systems and institutions reinforce these social inequalities. if we talk about the global stratification, it can also impact the distribution of healthcare professionals and resources within a country. लीडिंग टू रीजनल डिस्पेरिटीज़ इन देल्थ केयर एक्सेस आज पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी रीजनल डिस्पैरिटीज़ हमें नज़र आती हैं कि जिनकी वजह से हम देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर पोटेंशल इनक्वालीज़ मौजूद हैं मसल बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आज भी रूरल एरियाज़ के अंदर प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो लिविंग uh, कंडीशनस हैं वो उनके लिए साजगार नहीं होती हैं तो उनकी प्रेफ्रेंस हमेशा ये होती है कि उनके लिए जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट हो वो कंपैटबल uh, हो कंपैटिबल टू मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसके अंदर लाइफ अमेनिटीज़ जो हैं वो उनके लिए भी एक्सेसिबल हो तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ के अंदर पुअर हेल्थ कंडीशंस होती हैं और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाकी जो हमारे एरियाज़ हैं जैसे कि रिमोट एरियाज़ हैं या ऐसे डिस्ट्रिक्स हैं कि जिनके अंदर जो आ, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पे भी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक्सेस उस तरह से नहीं हो पाती और वहाँ के लोग जो हैं इस तरह की सर्विसेज से महरूम हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है ताकि वो एडिकेट हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर सकें सो द पर्सपेक्टिव कैन आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड the role of social movements and advocacy in challenging these power imbalances in the healthcare system iske sath sath hum jab ye dekhte hain ki ye sare masail jo hain inko jab critical point of view se hum analyze kar lete hain to conflict perspective is baat ke upar zor deta hai ki आपका जो major role होना चाहिए वो policy reformation के अंदर होना चाहिए policy intervention के ज़रिए जो है हम society के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं और मेजर फोकस जो होना चाहिए वो इस बात के ऊपर होना चाहिए कि कैसे हम इक्वालिटी को फोकस करके और माशरे के अंदर जो है एक्टेबल रिसोर्स एंड एकटेबल अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं आपके लिए फूड फॉर थाट ये है कि आप एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम को देखें पाकिस्तान के अंदर और उसको कंपेयर करें किसी भी डेवलप कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ और देखिए कि किन किन शोबों के अंदर जो पाकिस्तान की हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है